दया कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो है ही। दया कुछ तो गड़बड़ है। मूर्ति के पीछे आपने मम्मी पैसे क्यों रखे हैं? तो मैं ये पूछता था तो बहुत चप्पलें पड़ती थी। कुछ तो गड़बड़ है दया, सोनी टीवी पे सीआईडी बंद हो रहा है। आते थे और वो दरवाजा तोड़ने के लिए उन्हें बुलाया जाता था ना, वो ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था बस। चिपकली का ब्लड देके बता देते हैं कि चिपकली ने खून करा है या उसको जहर, इसमें ये जहर है। जब उसे कहीं भी बुलाया था कि दया चल दरवाजा तोड़, तो दया मतलब वहाँ पे तैयार रहता था। कुछ तो गड़बड़ है शेफाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूँ लूसीफर। 28 तारीख से मशहूर टीवी सीरियल सीआईडी बंद होने वाला है और हम उस सीरियल में क्या मिस करने वाले हैं? ओ, जो फैंस हैं उनके, 21 साल पुराना सीरियल अचानक से बंद करने का फैसला सीआईडी वालों ने यानी कि सोनी टीवी वालों ने लिया है, इस पे जानेंगे जनता की क्या राय है। फाइनली सीआईडी बंद हो रहा है, तो आपका क्या रिएक्शन है सीआईडी को लेकर? सीआईडी बंद हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है दया, सोनी टीवी पे सीआईडी बंद हो रहा है। हाँ, बंद हो रहा है मैम। किसी और चैनल पे आने वाला है क्या वो? अब हमें भी नहीं पता, कुछ तो गड़बड़ है। ओह गॉड, आई मीन उससे कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। वी स्टिल रिमेम्बर एसीपी प्रद्युम्न एंड इंस्पेक्टर सालुंके दया, व्हेनेवर दे वुड कम ऑन स्क्रीन, तो प्रद्युम्न बोलेंगे कुछ तो गड़बड़ है, इसकी डेथ मरने से हुई है। तो आपको डायलॉग्स याद हैं सीआईडी वाले? बिल्कुल बिल्कुल, आप करके दिखाइए वो डायलॉग्स। कैसे बिंज वॉच करते थे? अच्छा, ओके, एसीपी प्रद्युम्न, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो दया, दरवाजा तोड़ो। एंड इंस्पेक्टर सालुंके, लगता है ये मर चुका है। I mean, dude, yes, कुछ तो गड़बड़ है, इसकी मौत हो चुकी है and still ये मर चुका है। So yeah, repetitive dialogues, but still it gave us good laughs and yeah. कोई incident जो उसको आप याद करती हो, memorable हो, आपने सोचा हो कि मैं दया बन गया है, फिर ACP जो है प्रद्युम्न बन के किया? I always adored दया, he was very muscular और मतलब हमेशा ACP प्रद्युम्न का फेवरेट था, जब भी कुछ बड़ा होता था और समथिंग, सो ही वुड ऑलवेज बी वन ब्रेकिंग डोर्स एंड यू नो, सो या। सीआईडी देख देख के आपके अंदर उस शक करने वाली प्रवृत्ति आई थी अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के ऊपर? मेरे अंदर आई थी पूरी की पूरी, मैं शक करने लगी थी, बिल्कुल दया के जैसे सोचने लगी थी, मोबाइल चेक करना। अच्छा। पुलिस को कंप्लेन करना, सब कुछ किया था मैंने, बिल्कुल बिल्कुल, शक करके, इट वॉज नल एंड वॉइड। एंड ये हमेशा मुझे फोन करके बोलती थी, निधि कुछ तो गड़बड़ है। एंड आई एम हैप्पी, मेरे पापा के पास अब कुछ नया होगा देखने के लिए। हाँ, नया होगा। तो फिर कौन से सीरियल के तरफ आप स्विच करने वाले हैं? सावधान इंडिया। मतलब ये क्राइम पेट्रोल, क्रिमिनल वाली सोच चाहिए? बिल्कुल, क्रिमिनल माइंडेड वाली, बिल्कुल। बस सीआईडी नहीं चाहिए, अभी पुराने हो गए सब लोग, न्यू कैरेक्टर्स लेकर आओ तो चलेगा। वंदना जी, सीआईडी का सबसे खास कैरेक्टर आपको कौन सा लगा? दया। दया, दया का कोई फेमस डायलॉग आपको याद है? डायलॉग तो नहीं, जब वो आते थे और वो दरवाजा तोड़ने के लिए उन्हें बुलाया जाता था ना, वो ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था बस। कैरेक्टर तो मेरे को प्रद्युम्न का बहुत अच्छा था, बिकॉज जो उनका वे था एक्टिंग करने का, सो मतलब ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट और ही इज अ ग्रेट एक्टर, सो मुझे उनका वो अच्छा लगता था जब वो बोलते थे दया को कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट वही था, और बाकी जो मतलब जिस तरह वो एक्टिंग करते थे और मतलब जो भी उनकी टीम थी एज अ सीआईडी, सो मतलब हम बचपन से देख के, आज आई एम 25 ईयर्स ओल्ड एंड वो मैम, मेरे को लग रहा है कि मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मैं वो नाटक देख रही हूँ, स्टिल मैं वो ही देख रही हूँ। तो सीआईडी से आपने कुछ सीखा मैम? हाँ, मैंने बहुत करना, शक करना बॉयफ्रेंड पे, हस्बैंड पे शक करना, ऐसा कुछ कभी शक किया? हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेक्टिव हो जाती हूँ, जो अगर मुझे किसी के बारे में कुछ पता करना होता है तो मैं बहुत ज़्यादा उसको ना उसी नज़र से देखती हूँ, दया कुछ तो गड़बड़ है। सीआईडी वाला रूल फॉलो करती है? वो वाला मैं फॉलो कर रही, एकदम मेरे अंदर सीआईडी घुस जाता है, तो मैं उसको बहुत फॉलो भी करती हूँ अपनी खुद की लाइफ में भी, कि हाँ मुझे अगर किसी पे शक करना है या मुझे किसी के ऊपर शक है तो मैं उसको कैसे फाइंड आउट करूंगी और कैसे मैं उसको एंड मेरी फैमिली में मेरी जो भी कज़न है और जो मेरी खुद की सिस्टर्स है वो मुझे बोलती भी है कि जा फटाफट से जो सोचना जल्दी से सोच के आ कि वो बंदा कैसा है, और मेरी छोटी कज़न मेरे को क्या बोलती है, कुछ मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो मुझे वो भी बोलती है कि डिटेक्टिव है, तो बहुत जल्दी से पता लगा लेगी उसको, तो
तो यही देखा है मैंने कि बहुत ज्यादा वो एक्स्ट्रा माइंड भी चलाते हैं, जो होता है वो भी नहीं होने देते, चीजें दिखाते हैं वो, तो वही सारी चीजें। तो जिसमें बहुत फनी भी तो मतलब उनका लैब है, मतलब लैब आज तक पता ही नहीं चला कि वो सच में, हाँ कि वो तो आज तक पता नहीं चला वो सच में लैब है या नहीं है। इतना फनी मूवमेंट, मतलब उसमें एक सेकंड में ही मतलब कुछ हो जाना और एकदम से, मतलब काफी सारे फनी मूवमेंट थे। डॉक्टर, ओ माय गॉड। तो 28 तारीख से ये शो बंद हो रहा है, तो फिर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि हम उसके बाद भारत स्टार भारत राधा कृष्ण आ रहे हैं, तो हम उसको बहुत बैडली फॉलो करते हैं उसको हम, और हम तीनों ही उसके उस नाटक के बहुत बड़े फैन हैं, बड़े वाले फैन हैं, बहुत बड़े वाले फैन हैं, और हम उसको बाय हार्ट, एंड उसमें हम अपना स्टेटस भी लगाते हैं कि राधे कृष्णा का, कि उससे कुछ सीख मिल रही है। राधे 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 राधे। तो सीआईडी के कौन कौन से डायलॉग्स आप मिस करेंगे अब? एक तो वही ऑब्वियसली कुछ तो गड़बड़ है प्रद्युमन का, एंड वो प्रद्युमन का था ना कि दया दरवाजा तोड़ो, और वो जिस तरह दरवाजा तोड़ते थे, मतलब या वो मिसिंग पार्ट आएगा उसका। फेमस डायलॉग बंद हो जाएगा, कौन सा फेमस डायलॉग था जो हमेशा आप मिस करेंगे अब बंद होने के बाद? प्रद्युमन का कुछ तो गड़बड़ है वाला, कुछ तो गड़बड़ है। तो और शायद देख के आपको कभी कुछ ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है? हाँ, रियल लाइफ में मैंने बहुत देखा है, मतलब लड़कियों को छेड़ना वेड़ना। अच्छा, हाँ। तो आप इंस्पायर होती थी क्राइम सीआईडी से? हाँ। आपका क्या विचार है, सीआईडी बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? सर नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत लाइक करती है सीआईडी को, और फिर मम्मी का शो बहुत टाइम से मम्मी यही बोल रही थी, और आज कोई इंसिडेंटली आप लोग आए और आपने इसके ऊपर हमारे ऊपर रिव्यू लिया, और हम बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ये हमारा रिएक्शन आगे डालेंगे। तो मतलब अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, जैसे सीरियल की जगह आप लोग घर में बैठ के सीआईडी देखा करते थे? सीआईडी एक टाइप से थोड़ा फनी होता है, थोड़ा थोड़ा वैसे, और तो क्योंकि कभी कभार मेरे मन में भी अंदर से सीआईडी जाग जाता है। अच्छा, कि मूर्ति के पीछे आपने मम्मी पैसे क्यों रखे हैं? तो मैं ये पूछता था तो बहुत चप्पलें पड़ती थी कि तेरे को क्या मतलब इससे। तो ये बहुत चीज़ें, बहुत यादें सीआईडी से जुड़ी हुई, बचपन से देखते हुए आ रहे, सुनते हुए, टोनिंग वही सेम की सेम, बहुत सारे। कौन सा कैरेक्टर था जो आपका पसंदीदा था, और कौन से डायलॉग जो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स पे अप्लाई करते हैं? कुछ तो गड़बड़ है, मतलब जैसे किसी बंद कि जैसे अगर अगर इन दोनों में से किसी का बंदा बन गया, ये हमें टाइम नहीं दे पा रही, कुछ तो गड़बड़ है ईशा, कुछ तो गड़बड़ है प्रीति, ऐसा ऐसा थोड़ा सा। तो कोई फीमेल कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद? फीमेल कैरेक्टर नहीं, ऐसा मत समझिए #377, बट मेरे को फीमेल कैरेक्टर उसमें पसंद ही नहीं आई, क्योंकि ज़्यादा टाइप से फनी वही थे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल दिखाना थे, क्रिएटिविटी ठीक था, मतलब मजा आता था। दया मजेदार, दया एकदम से गेट तोड़ देता था। हाय हाय। कभी इससे कहा इसकी बॉडी के? नहीं नहीं, ये भी नहीं तोड़ पाता। अच्छा, मतलब कभी कहा नहीं आपने इससे कि मैं बोलती हूँ तोड़ता ही नहीं, कभी तोड़ ही नहीं पाता। ऐसा क्यों नहीं किया? ये क्या बात हुई, तोड़ने फोड़ने की क्या बात हो रही है? तो अब सीआईडी को आप सब मिस करने वाले हैं? बहुत ज्यादा मिस करेंगे। दया को? दया मतलब आप सबका फेवरेट दया, उसकी बॉडी। तो अब सीआईडी बंद होने के बाद आप क्या करने वाले, कौन सा सीरियल के ऊपर स्विच करेंगे या फिर क्या करेंगे? सीरियल के ऊपर स्विच करना वो नहीं है, आप तो फोन आ गए हैं, तो पहले ऐसा था कि एक घंटा अब फैमिली शो था सीआईडी, ऐसा ज़्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जो हम फैमिली के साथ ना देख सकें, तो अब थोड़ा मिस करेंगे क्योंकि फैमिली के साथ देखने में मज़ा आता, कई चीज़ें होती थी फनी हो जाती थी उसमें, जैसे कई कैरेक्टर, जैसे वो सारुंखे, डॉक्टर सारुंखे वगैरह, तो इस वजह से थोड़ा सा मिस करेंगे। उसका कोई डायलॉग सारुंखे? सारुंखे का कोई डायलॉग तो याद नहीं है, बट फिर भी उनका एक तो प्रत्युमंद और सारुंखे की नोकझोंक थोड़ा सा अच्छा लगता था देखने में, तो मजा आती। हाँ जी, तो आप थोड़ा मिस करेंगे। सर आपका सीआईडी के बारे में क्या कहना है? मेरे को तो एक्चुअली वो कॉमेडी शो लगता है, सही बताऊँ तो। क्या मतलब क्या ऐसा देख के आपको लगा कि ये कॉमेडी शो है? एक तो उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड है, मतलब वो मतलब क्या बोलते हैं, मतलब छिपकली का ब्लड देके बता देते हैं कि छिपकली ने खून करा है, या उसको जहर इसमें, ये जहर है, तो बहुत मेरे को फनी लगता है। तो कितने वक्त से आप सीआईडी देख रहे हैं, बचपन से? नहीं नहीं, इतना भी नहीं, मतलब हार्डली वीक में 1-2 शो।
हाँ थोड़ा माइंड अच्छा करने के लिए थोड़ा हंसना है तो चलो यार सीआईडी देख लेते हैं, कुछ टीवी पे आ नहीं रहा तो आपने सीआईडी से वो दिमाग दया वाला आया आपके अंदर, चलो दरवाजा हम भी तोड़ेंगे, थैंक गॉड नहीं आया। अब सबके दरवाजे तोड़ना स्टार्ट कर दिए तो वो लोग हमें तोड़ देंगे। अच्छा तो मतलब वो एक तरह से क्राइम थ्रिलर शो था तो आप शक करने वाला, आपके अंदर भावना है कि चलो शक करते हैं किसी के ऊपर, गर्लफ्रेंड के ऊपर शक किया कभी सीआईडी देख के? एक्चुअली गर्लफ्रेंड तो अभी तक बनी ही है, घर वाले हम पे शक कर लेते हैं। अच्छा, कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं फैमिली वाले सीआईडी देखते हैं तो गलत, घर वालों को शक हो जाता है चलो इनकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन हमें हकीकत पता है हमारे से। सीआईडी का कोई डायलॉग याद है जो आपको बार बार दिमाग में हिट होता हो, कभी आपने अपने दोस्तों के सामने वो डायलॉग सुना दिया हो? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। सीआईडी में सबसे ज्यादा मजेदार तो मुझे डॉक्टर का लगता था, फॉरेंसिक वाले डॉक्टर। हाँ, फॉरेंसिक वाले जो डॉक्टर था वो मीन्स उसे सब पता था और कुछ नॉर्मल चीज भी होती थी तो उसे ऐसे सस्पेंस में बोलता था, हमें लगता था कि क्या हो गया, मतलब अभी वो बता देगा, फिर बाद में पता था कि वो कंफ्यूज खुद में ही हो जाता था, खुद में कंफ्यूज। हाँ, तो उसका रोल और एक दया का रोल जो है मुझे बहुत अच्छा लगता था, जब उसे कहीं भी बुलाया था कि दया चल दरवाजा तोड़ दो, दया मतलब वहाँ पे तैयार रहता था। आप दरवाजा तोड़ने के लिए टाइप है, कभी आपने ट्राई किया दरवाजा तोड़ने का? ट्राई किया बट मैं मतलब ऐसे नहीं कि कोई मुझे बोल दे और मैं थोड़ा सा वैसे टाइप का, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे उसका कैरेक्टर सही लगता था। दरवाजे तोड़ने में सक्सेसफुल हुए थे आप? हाँ हाँ बिल्कुल, सच्ची में? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर तो अब तो वैकेंसी आ गई है? नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा था कि घर पे मतलब मेरी सिस्टर जो थी वो दरवाजा बंद कर रखी थी, तो उसमें बोले कि चल विकास तोड़, तो मैं फिर वही चीज़ याद आ गया, दया वाली फीलिंग आ गई। हाँ तो मतलब डिसम वही दरवाज़ा तोड़ना ये वो, तो वो थोड़ा सही लगा था उसका कैरेक्टर, बाकी तो दैट्स गुड। तो कोई फेमस ऐसा डायलॉग जो आपके दिमाग में हमेशा गूंजता हो? ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे अभिजीत का कैरेक्टर अच्छा लगता था, दया भी अच्छा लगता था। कभी आपको लगा कि सीआईडी अच्छा है या बुरा है, माइंड को घुमा देने वाला या कुछ ऐसा? सीआईडी ऐसा लगता था जैसे सीआईडी देखने को जैसे चोर ज़्यादा एक्टिव हो गए उस चीज़ को देख के, और पुलिस वाले को टाइम नहीं है वो चीज़ देखने के लिए, वो इसलिए वो इतना अवेयर नहीं हो पाते हैं जितना उसे देख के मतलब गलत प्रभाव पड़ता है लोगों पर। मतलब चोर तो घर पे बैठे रहते हैं, सीआईडी से सारी चीजें कॉपी कर लेते हैं कि क्या कैसे पुलिस हमें पकड़ने वाली है, कैसे कर रहा है वो, तो वो कर लेते हैं, वो तो कर ही लेते हैं, और पुलिस वाला भी टाइम नहीं है उनके पास कि वो देख के वो अवेयर कर पाए, अवेयर कर पाए। दया कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ तो है, तो चलो फिर। तो सीआईडी आप देखते थे? हाँ बिल्कुल देखते थे। तो शो देख के मजा आता था? मजा, बहुत मजा आता। कभी वो शो देख के आपके मन में आया कि इस पे कुछ गड़बड़ है चलो ढूंढते हैं, शक वक हुआ उससे देख के? हाँ ऐसा लगता था कि हमें कभी हमें भी पार्ट खुद जासूस बन गए, खुद भी पार्ट बन जाए उसका एक। तो उसका कोई फेमस डायलॉग जो आपको अब तक याद हो? हाँ जो एसीपी प्रद्युमन थे उनके, हाँ हाँ, जो उसमें थे मेन, उनका ये डायलॉग था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और तो सीआईडी जब 28 से बंद हो जा रहा है, उसके बाद आप क्या करने वाले हैं? उसके बाद हम उनके शायद लास्ट टाइम जो नेक्स्ट एपिसोड मतलब जो पुराने एपिसोड्स देखेंगे, वो देखेंगे और जो किड्स मिस करेंगे। हाँ तो सर आपका क्या क्या ख्याल है सीआईडी का? तो सीआईडी बंद हो रहा है तो शक कैसे करेंगे? शक तो हो गई नहीं शक। कभी आपने सीआईडी देख के किसी के ऊपर शक करना चालू किया था? नहीं कभी ऐसा तो नहीं किया। गर्लफ्रेंड को फॉलो नहीं किया? गर्लफ्रेंड तो है ही नहीं, धोखा हो गया यार, इतने हैंडसम तो गर्लफ्रेंड क्यों नहीं, ये बताओ क्या कभी रह गई? सरदर्द कौन लेगा? इनकी वजह से? इनकी वजह से तो नहीं है? हाँ ये दोस्त है, इन्हीं की वजह से सब कुछ, सारी गड़बड़ इन्होंने कर रखी है। इनकी गर्लफ्रेंड पे शक हमने करा ना, तो फिर प्रोफाइल वगैरह से आईडी वगैरह करा हमने, जासूसी तुमने कर दी। हाँ और फिर इसको सब बस। अरे यार मतलब ये तो वो निकल गया घर का, वेदी लंका था, विभीषण हो गया ये तो, उस गर्लफ्रेंड पे उसने पटा लिया ऐसा भी? हाँ वर्क इन प्रोसेस है अभी। अच्छा प्रो मतलब अभी यार फिर क्या, बहुत अच्छी दोस्ती यार तुम लोगों की तो, बहुत अच्छी है। कौन सी? अभिजीत और दया वाली दोस्ती हमारी कभी नहीं टूटेगी। 377 लागू हो गया? अरे नहीं वो वाली नहीं है, इसका फायदा नहीं उठाएंगे। आपका क्या कहना है इस पे जो सीआईडी बंद हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। कोई फेमस डायलॉग जो आप बोल सकते हैं? वही कि दया कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली, आप तो दया वाली पर्सनालिटी क्यों है, कभी तोड़ देगी दया, तोड़ दे एक्शन दिखा एक्शन। हाँ ये
छोड़ो यार, बचपन से देखते हुए आ रहे हैं उसे, तो इस वजह से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। तुमने भी ऐसा सोचा है किसी के गर्लफ्रेंड से? नहीं, कभी नहीं आता थोड़ा बहुत। अच्छा भाई, मतलब क्या चल रहा है ग्रुप में? गर्लफ्रेंड वैसे होल पिक्चर की तरह तो नहीं गेम चल रहा है? नहीं मतलब मेन मिलन तो हुआ है। अच्छा वो तभी भागा भागा फिर रहा है, क्या किया था उसने ये बताएगा? क्या किया था उसने? किसने? उसने वो आया वो देख के भाग गई। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट फेमस डायलॉग दया ये दरवाज़ा तोड़ दो। उसके बाद इट वॉज समथिंग लाइक कुछ तो गड़बड़ है। और कौन सा करेक्टर है जो आपको पसंदीदा लगता था? एसीबी प्रद्युमन। कभी आपने अपने बॉयफ्रेंड या फिर किसी फैमिली मेंबर के ऊपर शक किया सीआईडी देख के? नहीं ऐसा नहीं है, उस टाइम हम बच्चे थे जब बहुत डेडिकेशन के साथ देखते थे, तो मैंने हर किसी पे किया रियली हर किसी पे। बट हम एग्जाम्पल सीआईडी का ही देते हैं, कभी बोलते हैं सीआईडी की तरह काम कर रहा है। तो आपकी पर्सनालिटी अच्छी खासी, कभी आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा दया दरवाजा तोड़ दो? हाँ डरते हैं इससे तो, डरते हैं मुझे डर। अच्छा कभी कोशिश किया इनकी रूम में सो रही थी दरवाजा तोड़ने का? नहीं पर इन्हें लॉक जरूर किया अंदर, लाइक अ क्रिमिनल यू नो, सो आई एम मोर लाइक दैट। क्रिमिनल माइंडेड ये हैं? अच्छा आप क्रिमिनल माइंडेड हैं? हाँ ये अच्छे हैं, ये दया टाइप है। तो आप एसीपी और दया दोनों की टीम बनी हुई है? हमारे साथ अभिजीत भी है। अच्छा आई एम दैट, इनको संभालने वाला। हमने उसे बचपन से देखा है, सो वी विल मिस इट फॉर श्योर, बिकॉज जब से हम पैदा हुए हम तब से देख रहे हैं सीआईडी। तो अभी एक मुहिम शुरू हुई है सेफ सीआईडी हैशटैग, तो उसको आप फॉलो करेंगे ट्विटर पे जाके और बचाने की कोशिश करने वाली है सीआईडी को। सोनी टीवी के सीआईडी बंद के फैसले को लेकर सीआईडी के फैंस को ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। सीआईडी के मशहूर करेक्टर एसीपी प्रद्युमन और दया को जो है सीआईडी के फैंस बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।